Explanation under Rule 357, Sri Ravi Shankar Prasad. माननीय स्पीकर महोदया, आपने जो मुझे रूल्स के अंतर्गत पर्सनल एक्सप्लेनेशन करने का अवसर दिया है, मैं कृतज्ञ हूं। 24 फरवरी को इस सदन के सम्मानीय सदस्य और मेरे मित्र ज्योतिराज सिंधिया ने शून्यकाल के दौरान मेरे बारे में यह बताया कि मैंने संविधान की प्रस्तावना में बहस का आग्रह किया है और मेरी ये टिप्पणी निंदाजनक है। ये पूरा रिकॉर्ड पर है। मैं इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने ये वक्तव्य कभी नहीं दिया था। 28 जनवरी को कैबिनेट की बैठक के बाद मैं प्रेस ब्रीफिंग कर रहा था। उस समय INB के विज्ञापन के बारे में मुझसे एक सवाल पूछा गया, तो मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह बहस करनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, जो देश के वरिष्ठ नेता हम सभी सम्मान करते हैं, वो सेकुलर थे कि नहीं, क्योंकि जब संविधान बना 1950 में तो वो मौलाना आजाद, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने सेकुलर सोच नहीं रखा था। बहस इस पर होनी चाहिए। सारे अखबारों ने हमारी ये बात सही से छापी। एक अखबार हिंदू ने अपने हेडलाइंस में कहा कि हमने प्रीएम्बल पर बहस की बात की है। 30 तारीख को उन्होंने मेरा पूरा क्लैरिफिकेशन छापा। उसके पश्चात 2 तारीख को हिंदू ने एक संपादकीय लिखा जिसमें पूरा मेरे इस संदर्भ का जिक्र किया और मेरी आलोचना की। मैंने हिंदू के संपादक को एक विस्तार से पत्र लिखा और मैं इस बारे में उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि विस्तार से उन्होंने 3 तारीख को मेरे पूरे रिजॉइंडर को छापा। आई नेवर कॉल्ड फॉर ए डिबेट ऑन सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। इसकी ओरिजिनल प्रति मेरे पास है, मैं सदन में रख दूंगा। 29 तारीख को मैंने कई टीवी चैनल्स को कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा है, न सरकार की मंशा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को यह सवाल पूछना है कि नेहरू जी सेकुलर थे कि नहीं, 1950 में नहीं हुआ था। तो जो बातें मैंने कभी कही नहीं, उसको लेकर माननीय सिंधिया साहब, जो मेरे मित्र भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, होमवर्क करते हैं, मुझसे फोन से पूछ लेते, और सदन के ऊपर मेरा नाम लेकर के मेरी टिप्पणी को निंदाजनक कहना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं पूरे रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं, और अगर आप कहेंगी तो मेरे पूरे स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रख दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खेद प्रकट करें या शर्म करें, लेकिन यह अपेक्षा करूंगा अगर रिकॉर्ड इतना स्ट्रेट है तो कम से कम मेरे खिलाफ की गई सदन पर टिप्पणियों को वापिस लेंगे, यह मैं उनसे अपेक्षा वश करता हूं।